नमस्कार किसान भाइयों, हम आज बात करने वाले हैं महिंद्रा 575 DiXP प्लस मॉडल के स्पेसिफिकेशन और फीचर के बारे में। हम इस ट्रैक्टर का पूरी डिटेल में रिव्यू देने वाले हैं, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमको यह ट्रैक्टर 4 सिलेंडर इंजन में देखने को मिलता है। इसकी हॉर्स पावर HP कैटेगरी देखने को मिलती है 47 HP के साथ। P2 HP इसका 42 का आता है। गेयर बॉक्स इसका 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के साथ देखने को मिलता है। ब्रेक की बात करें तो ब्रेक इसका ऑयल इंडेड ब्रेक हमको देखने को मिलता है। क्यूबिक कैपेसिटी की बात करें तो 2979 cc की देखने को मिलती है। इंजन रेटेड RPM इसका 2000 देखने को मिलता है। कूलिंग सिस्टम इसकी वाटर कूलेंट के साथ देखने को मिलता है। एयर फिल्टर इसका 3-स्टेज ऑयल बेक टाइप विथ रिक्लेनर के साथ देखने को मिलता है। फ्यूल पंप इसका इनलाइन के साथ आता है। टॉर्क इसका 192 के साथ देखने को मिलता है। पार्शियल कॉन्स्टेंट नॉइज़ गियर बॉक्स इसका देखने को मिलता है। क्लच इसका सिंगल और ड्यूअल क्लच देखने को मिलता है। गियर बॉक्स इसका 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के साथ देखने को मिलता है। फॉरवर्ड स्पीड इसकी 3.1 और 31.3 किलोमीटर ओवर के साथ देखने को मिलती है, और वैसे ही रिवर्स स्पीड 4.3 और 12.5 किलोमीटर ओवर के साथ देखने को मिलती है। इसका ड्यूअल एक्टिव पावर स्टीयरिंग और मैनुअल स्टीयरिंग ऑप्शनल देखने को मिलता है। टोटल वेट इसका 1890 kg का है और व्हील बेस 9060 mm के साथ देखने को मिलता है। लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी 1500 kg तक देखने को मिलती है, और 3 पॉइंट लीकेज इसका हाई प्रेशियस कैच 2 के साथ देखने को मिलता है। 2 व्हील ड्राइव में हमको ये ट्रैक्टर देखने को मिलता है। फ्रंट टायर इसके 6-16 और रेयर टायर इसके 14-28 को देखने को मिलते हैं। इसमें एक्सेसरीज पूर्व ड्रॉबार हुड बम्पर इत्यादि सामान हमको मिल जाते हैं। इसमें हमको ऑयल एमरेंज ब्रेक देखने को मिलते और 6 प्लेन लाइन का PTO देखने को मिलता है, और RPM इसका 540 RPM पर 1890 तक RPM देता है। इसकी वारंटी की बात करें तो वारंटी हमको इसकी 6 ईयर की देखने को मिलती है, और इसकी प्राइस की बात करें तो 6,90,000 और 7,27,000 तक आसपास हमको देखने को मिलता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद किसान भाइयों।